अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे एंड खूब मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड खुश आमदीद टू माय व्लॉग। सो आज का व्लॉग हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, सो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी यखनी बिरयानी। सो सबसे पहले मैंने लिया है यखनी बिरयानी का मसाला। बनाने के लिए हमने लिए हैं तेज़ पत्ते, 5 से 6 अदद मेरे पास तेज़ पत्ते हैं। साबुत धनिया था, साबुत ज़ीरा था, उसको जो है हमने मोटा मोटा कूट लिया। 2 चम्मच भर के पिसा हुआ गर्म मसाला, 1 चम्मच जो है वो हाफ टी स्पून, 1 चम्मच नहीं, जायफल जावत्री का पाउडर और 4-5 इलायची, इन सबको हमने तेज़ पत्तों के साथ मिक्स कर लिया। और अब हम इसको रख देंगे साइड पे। जब हम मसाला बनाएंगे तो फिर हम इस मसाले को ऐड करेंगे। सो ये बन गया हमारा यखनी बिरयानी का मसाला। नाउ सेकंड स्टेप हमारा है, हमने यखनी चढ़ा दी थी जिसमें मैंने ऐड किया था गोश्त, पानी, अदरक, लहसुन, साबुत, प्याज, नमक और तेज़ पत्ते। सब कुछ मैंने डाला एक पतीले में और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। जब ये अच्छे से गोश्त बॉईल हो जाएगा, हम गोश्त को सेपरेट कर लेंगे और यखनी को हम अपनी छान लेंगे, उसको भी हम साइड पे रख देंगे। नाउ थर्ड स्टेप हमारा है, अब हम बनाएंगे यखनी बिरयानी का मसाला। सो उसके अंदर मैंने पतीले में मैंने सबसे पहले डाल दी है प्याज। 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको स्लाइस में कट कर लिया। फिर हम इसको ब्राउन करेंगे, ब्राउन करके हम अपनी प्याज निकाल लेंगे और उसके बाद हम अपना बनाएंगे मसाला। उसमें मसाले में मैंने ऐड किया था प्याज, हमारी ब्राउन होने वाली है। प्याज ब्राउन हो जाएगी, उसको हम साइड पे निकालेंगे। फिर हम उसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, आलू, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, गोश्त। और गोश्त डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, टोमेटोज, पोटैटो, बिरयानी मसाला, बादियान, काली मिर्च साबुत, आलू बुखारे, लाल मिर्च, काले मिर्च एंड चाइनीज सॉल्ट। सारी चीज़ें हम एक साथ डाल के इसको हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 1/2 ग्लास वाटर ऐड करके और फिर इसको ढक देंगे कि हमारे आलू थोड़े से गल जाएँ। और उसके बाद हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे और फिर डालेंगे चावल। सो सारे चीज़ें जो हैं मैंने एक पतीले में ऐड कर दिए और उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। मेरे पास थे 5 से 6 अदद आलू बुखारे थे, वो ऐड किए मैंने इसके अंदर। 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी ऐड की है और 1 चम्मच भर के मैंने काली मिर्च पिसी हुई ऐड की है। सो वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, फिर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे।
आलू बुखारे एंड सो ये देखेंगे यखनी हमारी, मसाला हमारा ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर हमारी यखनी ऐड कर रही हूँ, हमारे चावल के अकॉर्डिंग इन्हें ऐड करूँगी। सो ये डाला, तो मेरे पास जो है ये 1 किलो जितने चावल है, 1 kg जितने राइस है, उसको मैंने सोक कर लिया था। बासमती राइस है मेरे पास, तो मैंने उसको 10-15 मिनट सोक कर लिया था। अब ये चावल जो है मैं यखनी हमने ऐड कर दी थी, चावल सारे अब मैं मसाले में ऐड कर दिए हैं मैंने, और थोड़ी सी जो यखनी बची थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया, और लास्ट में फिर जो है फिर मैंने इसको तेज़ चूल्हे पे थोड़ा चावल को बॉईल आने तक पका लिया, फिर हमने इसको रख दिया दम पे। तो वो चावल जो है हमारे बॉईल पे आ चुके थे, उसके बाद मैंने उसको दम पे रख दिया। नाउ मैंने थोड़ा सा लिया है हाफ कप जितना वाटर, उसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 चम्मच ऑरेंज फूड कलर जर्दी का रंग, और मैंने इसके अंदर ऐड किया है जायफल जावित्री पाउडर। थोड़े से हमारे चावल दम हो गए, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ऐड की ब्राउन प्याज, थोड़ा सा मिंट, थोड़ा सा हरा धनिया, 1-2 हरी मिर्चें और हमारा जर्दी का रंग। ये सारा हम इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और ऊपर से मैंने ऐड किया था 2-3 चम्मच गरम घी, उसको मैंने चूल्हे पे थोड़ा सा गरम कर लिया था, और ऊपर से मैंने थोड़ा गरम घी ऐड किया था, और उसके बाद मैंने रख दिया दम पे। साथ में मैंने की थी फिश फ्राई, ये हबी को खानी थी, तो मज़ेदार सी यखनी बिरयानी और हमारी फिश जो है वो ज़बरदस्त सी रेडी हो गई थी। और अब ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी दम हो चुकी थी आफ्टर 20 मिनट्स बाद जो है मैंने देखा, तो बहुत ही कोई लजीज और ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और बहुत मज़े का बना था। सो आई होप आप लोग ने आज की रेसिपी इंजॉय की होगी। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोग को मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो और अच्छी रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट रेसिपी में अच्छी सी या कोई अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।